हाय, आई एम शेफ दीपाली। वेलकम टू वाओ कुक स्टूडियोज़ चैनल। सो आज की हमारी रेसिपी का नाम है बादाम की खीर। बादाम की खीर बहुत ही थिक और रिच होती है। ये खीर के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है बादाम। बादाम को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था और उसके बाद उसके स्किन निकाल के उसकी फाइन पेस्ट करके ली है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में लिया है 1 टेबल स्पून ऑफ घी। घी को थोड़ा अच्छे से गर्म होने के बाद वो घी में हम ऐड करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ चॉप किए हुए कैशूस, और उसे हम उसके अंदर अच्छे से रोस्ट करके लेंगे, एक अच्छा फ्राई करके लेंगे। उसका थोड़ा कलर चेंज करेंगे हम, ये हम यूज़ करने वाले हैं इन अ खीर। सो एक क्रंच आने के लिए हम इसे रोस्टिंग करके ले रहे हैं। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 1/2 लीटर दूध और हम उसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, फुल फैट मिल्क यूज़ की है। अगर आप नॉर्मल दूध यूज़ करो तो भी चलेगा। फुल फैट इसलिए बिकॉज ये थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी की खीर होती है, और बाकी कुछ भी अलग इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे थिकनेस बढ़ाने के लिए। सो दैट्स वाई वी यूज्ड फुल फैट क्रीम। ये अच्छे से बॉयल होने के बाद, बॉयल इसको आने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो पेस्ट बना के ली है हमने बादाम की, वो पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद अगेन हमें इसे कुक करना है फॉर 10 to 15 मिनट्स के लिए, और जब भी हम कुक करेंगे वी हैव टू कंटिन्यूसली स्टर इट। कंटिन्यू आपको इसे स्टर करना है। उसी के अंदर मैंने ऐड किया है केशर, और केशर डालने के बाद अगेन हम इसे स्टर करेंगे अच्छे से। केशर का क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे 4 to 5 स्ट्रिंग्स यूज़ किए हुए, आप कितना भी यूज़ कर सकते हो। आपको कंटिन्यूसली स्टर करना है इन बिटवीन। उसके बाद मैं ऐड करूँगी शुगर। यहाँ पे मैंने जो शुगर ऐड किया वो 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर यूज़ किया है। आपको जितना स्वीट पसंद है उसके हिसाब से आप शुगर इंक्रीज कर सकते हो। शुगर अच्छे से डिजॉल्व करके लेना है, स्टर करते रहना है इन बिटवीन। और शुगर डिजॉल्व होने के बाद उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क मेड या फिर कंडेंस मिल्क। ये ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बट ये डालने के बाद अगेन हम स्टर करेंगे। अच्छे से स्टर करने के बाद जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके लिए हैं, जैसे कि कैशू नट्स और सम रेजिन्स, रेजिन्स और कैशू नट्स को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये सब ऐड करने के बाद अगेन यू हैव टू स्टर। स्टरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत रिच क्रीम है, रिच खीर है, और इसके अंदर हमने जो पेस्ट यूज़ किया है उसकी वजह से दूध और पेस्ट नीचे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्टरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टर करते वक्त कंसिस्टेंसी चेक करनी है। अभी ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी, हम इसे 5 to 10 मिनट्स तक और कुक करेंगे और फिर हमारा खीर रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आपके पास जो भी सर्विंग बोल्स है उसके अंदर आप सर्व कर सकते हो, और सर्व करने के बाद इसे आप ठंडा या गर्म जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से आप खा सकते हो, बट आई प्रेफर ठंडा। सो इसे हम अच्छे से चिल्ड करने के लिए रखेंगे इन अ फ्रिज 3 to 4 आवर्स, और उसके बाद मैं मेरा खीर एंजॉय करूंगी। बट खीर सर्व करने से पहले गार्निशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने यहाँ पे सम पिस्ताज, चॉप पिस्ताज एंड आलमंड्स के साथ गार्निश किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।